सरोकार। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है नगर संग्राम का। औरैया नगर निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है और सभी दावेदार अपने अपने पक्ष में मतदान कराए जाने को लेकर जनता से अपील करते हुए देखे जा रहे हैं। इसी क्रम में नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष पद के दावेदार भारतीय जनता पार्टी के राजकुमार दुबे ने नगर को स्वच्छ बनाए जाने के लिए कसम खाई है। वहीं उन्होंने शहर के सुप्रसिद्ध मंदिर फूलमती माता के दरबार में दर्शन पाने के उपरांत घोषणा की कि वह विकास के लिए आए हुए एक भी पैसे का दुरुपयोग नहीं करेंगे। आपको जानकारी दे दें कि राजकुमार दुबे पूर्व में ब्लॉक प्रमुख रहे हैं, जबकि वर्तमान में उनकी पत्नी जिला पंचायत सदस्य हैं। इसके अलावा हरिद्वार से चलकर आए नागा बाबा ने राजकुमार दुबे को विजयश्री का आशीर्वाद भी दिया है। नागा बाबा का कहना है कि संत शिरोमणि के दर्शन जिस स्थान पर हो जाए वह स्थान पूरी तरह से भक्तिमय हो जाता है। खास बात यह है कि जनता जनार्दन का सहयोग पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी राजकुमार दुबे को मिल रहा है। वहीं जनता जनार्दन से जब बात करने का प्रयास किया गया तो उन्होंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी में हमेशा से ही गरीबों मजदूरों को न्याय मिला है, इसलिए वह भाजपा प्रत्याशी को ही वोट देते हैं। गौरतलब यह है कि आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में मुस्लिम समुदाय के कई लोग भी यहाँ पर डटे हुए हैं। इसका प्रमुख मतलब यह है कि भाजपा के शासनकाल में सभी वर्ग पूरी तरह से एकजुट हुए हैं और मुस्लिम समुदाय भी भारतीय जनता पार्टी पर अपना विश्वास जता रहा है। बता दें कि निकाय चुनाव में महज कुछ ही वक्त रह गया है और चुनाव को देखते हुए सभी पार्टियां तैयारियों में जुटी हुई हैं। कोई भी दल, कोई भी पार्टी ऐसे नहीं है जो कोई भी कसर छोड़ रहे हो। वहीं प्रत्याशी जनता के बीच जा रहे हैं और उनकी बात सुन रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं और विश्वास जीतने की पूरी कोशिश कर चुके हैं। वहीं हमारे साथ नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष पद के दावेदार भारतीय जनता पार्टी के राजकुमार दुबे जुड़ चुके हैं। राजकुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है प्राइम टीवी के कार्यक्रम में। राजकुमार जी, आप अध्यक्ष पद की दावेदारी कर रहे हैं, सबसे पहले क्या कहना चाहेंगे? जनता पार्टी ने मुझे अपना आशीर्वाद दिया है, मैं तो नगर की सम्मानित जनता से आशीर्वाद मांगता हूँ, आशीर्वाद चाहता हूँ। राजकुमार जी, हमारे दर्शकों को अपने बारे में बताएं और ये भी बताएं कि आपके राजनीतिक जीवन की शुरुआत कैसे हुई। मैं राजकुमार दुबे, भारतीय जनता पार्टी और इंडिया का एक निष्ठावान कार्यकर्ता आप लोगों के बीच में हूँ। सभी लोगों को नमस्कार करता हूँ। सन 2010 में मैंने क्षेत्र पंचायत सदस्य के चुनाव की अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी। पहले RSS या कुछ बिंदु पर सबके जो भी कार्यक्रम होते थे उनमें हमारी भागीदारी होती थी। 2011 में हमें औरैया की जनता ने औरैया सदर का प्लेटफॉर्म चुना। 2011 से 2016 में तक हमारा कार्यकाल रहा। 2022 में हमारी श्रीमती प्रियंका दुबे, हमारी पत्नी, उनको यहाँ से जिला पंचायत मेंबर चुनने का मौका मिला है। वो वर्तमान में जिला पंचायत सदस्य और यह है। जी राजकुमार जी, हर इंसान का राजनीति में एक मार्गदर्शक होता है, आपका कौन है? हमारा मार्गदर्शक सारी जनता है, हमारा कोई गौर साधन नहीं है, हमारी मार्गदर्शक हमारी जनता है, लोग हैं हमारे मार्गदर्शक, उन्हीं के बीच में हम रहते हैं, वही हमारा मार्गदर्शन करते हैं। राजकुमार जी, आपके राजनीति के सफर में कौन कौन सी चुनौतियां आई? बहुत छोटा सा सफर रहा, अभी बहुत बड़ा सफर नहीं है, हमें नहीं लगता कि हमें कोई अतिक्रमण। राजकुमार जी, आप भारतीय जनता पार्टी से नाता रखते हैं, कैसा अनुभव रहा अभी तक आपका? मैं गर्व महसूस करता हूँ
भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। लोगों के बीच में जब हम अपनी पार्टी की योजनाएं रखते हैं, योजनाएं बताते हैं, तो मुझे बहुत ही गौरवान्वित अपने आप को महसूस करता हूँ कि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता। जी, अभी अपने क्षेत्र में आप कौन सी बड़ी समस्याएं देख रहे हैं? अगर जनता आपको मौका देती है तो क्या कुछ काम करेंगे? जी, अगर जनता का आशीर्वाद हमें मिलता है तो औरैया नगर, चाहे दयालपुर बस्ती हो, चाहे सत्येश्वर बस्ती हो, चाहे नारायणपुर बस्ती हो, बनासी रात हो, गोविंद नगर हो, पड़ीम दरवाजा हो, मेरा एक मैंने एक क्षेत्र का भ्रमण करने का प्रयास किया है। सड़कों की बहुत बुरी हालत है, जगह जगह सड़कें टूटी पड़ी है। गोविंद नगर जैसी बस्ती में बरसात में आप एक सड़क से दूसरी सड़क तक नहीं जा सकते, इतना जलभराव की समस्या है। निश्चित रूप से अगर भारतीय जनता पार्टी की ट्रिपल इंजन की सरकार औरैया में बनती है तो औरैया में सीवर लाइन जाने का काम करेंगे। सबसे पहले औरैया में सीवर लाइन की आवश्यकता है। औरैया में गंदगी की स्वच्छता अभियान हमारी प्रधानमंत्री का जो निकल रहा है, उस स्वच्छता अभियान के तहत नगर पालिका के पूरे एरिए में हम चाहेंगे कि स्वच्छ वातावरण विकसित हो। सड़कों का जाल से रात में हम कई जगह वोट मांगने गए हैं, जगह जगह हमें समझिए टॉर्च से वोट मांगना पड़ रहा है। ये शहर की चाहेंगे कि जगह जगह जी राजकुमार जी, जनता के बीच आप किस एजेंडे के साथ जा रहे हैं, किस मुद्दे को लेकर? केवल विकास। भारतीय जनता पार्टी का एकमात्र लक्ष्य सबका साथ सबका विश्वास सबका विकास, उसी लक्ष्य के तहत मैं जनता के बीच में जा रहा हूँ। बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी धार्मिक भेदभाव के, बिना किसी जाति भेदभाव के, सारी जनता हमारी है, हम जनता की है। उनका विकास करना, जो हमारे बीच में समस्याएं उनको दूर करना, यही भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है। अपनी योजनाओं को एक एक परिवार तक पहुंचाना, एक एक लोगों तक, निचले पायदान पे खड़े लोगों तक भारतीय जनता पार्टी की शानदार जो योजना चल रही है उनको पहुंचाने का कार्य हम करने का प्रयास करते हैं और करते हैं। जी राजकुमार जी, जैसा अभी आपने बताया कि आपके क्षेत्र में अभी तमाम समस्याएं हैं, तो इसका जिम्मेदार किसे मानते हैं? जाहिर सी बात है, औरैया नगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी की कभी आपकी सरकार नहीं रही, दूसरे दलों की सरकार रही है। मतलब दूसरे दलों के नेता अध्यक्ष बनते रहे, सीधे तौर पे पुरानी जो भी नगर पालिका के अध्यक्ष रहे हैं उनको जिम्मेदार मानूंगा। तो राजकुमार जी, अभी आप अपने क्षेत्र की जनता के बीच जा रहे होंगे, उनकी समस्याओं को सुन रहे होंगे, अपनी बात रख रहे होंगे, तो कैसा समर्थन देखने को मिल रहा है? बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है, जनता का आशीर्वाद मिल रहा है। एक दूसरे से रूबरू होते हैं तो जनता की समस्याएं जानने का अवसर मिल रहा है, कौन कौन सी समस्याओं से यहाँ पे लोगों को परेशानी हो रही है उन सब परेशानियों को सुनने का अवसर मिल रहा है, उनको कैसे दूर करना है उसके विचार करने का हम प्रयास करते हैं, इनको हम कैसे दूर करेंगे, लोगों के बीच में शानदार हमें रिस्पॉन्स मिल रहा है। जी राजकुमार जी, अगर आपको जनता मौका देती है तो स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर क्या कुछ करना चाहेंगे? अहम औरैया नगर पालिका के क्षेत्र में स्वास्थ्य के विषय में जैसा मैंने अभी कहा था, गलियों में जगह जगह पानी भरा है जी, वहाँ पे मच्छरों का प्रकोप हो रहा है। निश्चित रूप से स्वास्थ्य के विषय में पूरा ख्याल रखा जाएगा नगर पालिका परिषद। अगर हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी यहाँ से विजयी होता है तो नगर पालिका परिषद युवाओं के स्वास्थ्य के लिए एक नगर पालिका जिम का निर्माण कराएगी, जिसमें युवाओं को आने का अवसर मिले और वो वहाँ पे अपना स्वास्थ्य लाभ ले सके। बढ़िया शानदार पार्कों की व्यवस्था कराने का हम प्रयास करेंगे, जिसमें लोग सुबह शाम अपना घूमने का प्रयास करेंगे। आपको जनता का नेता कहा जाता है राजकुमार जी, इसका क्या कारण है? जनता का सेवा तू मैं, ये तो आप कह रही हैं कि जनता का नेता हूँ। राजकुमार जी, आप भारतीय जनता पार्टी से मैदान में उतरे हुए हैं, और भी तमाम पार्टियां मैदान में हैं, अपने कंपटीशन में किसे देख रहे हैं, प्रतिद्वंदी किसे मान रहे हैं? देखिए
बहुत ही ऊर्जा होती है, बहुत ही ऊर्जा बहुत ही ऊर्जा हर क्षेत्र में है जी। मैं किसी को अपना प्रतुल्य नहीं मानता। हम इतना मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी यानी राजकुमार दुबे जीतने का प्रयास करेंगे, जीतने के लिए लड़ रहे हैं, जीतने का हर संभव जीतेंगे। राजकुमार जी, अगर जनता आपको मौका देती है तो सबसे पहले 5 ऐसे कौन से बड़े काम होंगे जो अपने क्षेत्र में आप कराएंगे? अगर हमें जनता का आशीर्वाद मिलता है तो सबसे पहले औरिया नगर के अंदर हमने बताया सीवर लाइन का काम करेंगे। दूसरा, यहाँ पे जो पानी निकासी की समस्या है, जल भराव की समस्या है, सबसे पहले हम जल भराव ना हो इसका प्रबंध करेंगे। सड़कों की जो हालत है, सड़कें जो टूटी पड़ी है, कहीं कहीं कच्ची गलियां हैं, तो हम तीसरे नंबर पे यहाँ पे सड़कों का निर्माण कराएंगे। चौथे नंबर पे जो रात के समय में अंधेरा रहता है मोहल्ले में, जिससे कि चोर और उच्च अन्य वर्ग के लोग वहाँ पे जो शोरगुल करते हैं या बदमाशी करते हैं, इसके लिए हम रात में अच्छे से प्रकाश की व्यवस्था कराने का काम करेंगे। स्वास्थ्य के क्षेत्र में जैसे हमने अभी आपको बताया बहुत चीजें हैं स्वास्थ्य के क्षेत्र में, जिम आदि, बच्चों का स्वास्थ्य कैसे ठीक रहे उसके बारे में काम करेंगे। राजकुमार जी, जब आप जनता के बीच जाते होंगे तो आपको महिलाएं भी मिलती होंगी, बच्चे भी मिलते होंगे, आप बातचीत करते होंगे, तो महिलाओं का आपसे क्या कुछ कहना होता है, क्या कुछ उनकी मांग है? देखिए, मातृशक्ति से हम सब लोग निश्चित रूप से हम लोगों का उत्थान मातृशक्ति ही करती है। माताओं बहनों का भरपूर आशीर्वाद मिल रहा है, भरपूर सहयोग मिल रहा है, तो माताएं बहनें निश्चित रूप से हमें आशीर्वाद दे रही जी। राजकुमार जी, आज के राजनीतिक घटनाक्रम को देखते हुए कैसे विकास की गाथा लिखेंगे? राजनीति समाज सेवा का क्षेत्र होता है। राजकुमार दुबे राजनीति को हम अभी तक जो भी छोटे पद पे हम रहे हो, छोटे छोटे पदों पे रहे हैं, राजनीति को कभी हम व्यापार नहीं बनाते हैं, व्यापार अलग करते हैं, राजनीति अलग करते हैं। तो जब हम राजनीति को व्यापार नहीं बनाएंगे तो निश्चित रूप से राजनीति में समाज सेवा करने का बहुत शानदार अवसर मिलेगा और उन अवसरों पर हम खरा उतरे। तो राजकुमार जी, तो क्या लग रहा है जनता का कितना समर्थन मिलेगा आपको? भरपूर। राजकुमार जी, मीडिया एक सशक्त माध्यम है, अपनी बात कहने का प्राइम टीवी के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे? मैं प्राइम टीवी के माध्यम से औरिया नगर के समस्त रहवासियों को, सम्मानित मतदाताओं से मैं ये अपील करता हूँ कि आपका भाई, आपका बेटा राजकुमार दुबे आपके सामने खड़ा है, आप अपना आशीर्वाद देकर औरिया नगर के विकास में लोग सहयोग करें, अपना आशीर्वाद राजकुमार दुबे को दें और भारतीय जनता पार्टी के चुनाव निशान कमल के फूल पे मुहर लगाकर भारी मतों से अपने भाई राजकुमार, अपने बेटी राजकुमार दुबे को विजयी बनाए। बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमार जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। तो आज मुलाकात हुई राजकुमार दुबे से। बता दें कि निकाय चुनाव में महज कुछ ही वक्त रह गया है और चुनाव को देखते हुए सभी पार्टियों ने अपनी पूरी पूरी ताकत झोंक दी है। कोई भी दल, कोई भी पार्टी, कोई भी प्रत्याशी, कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहते। बता दें कि निकाय का रण है और रण को देखते हुए सभी पार्टी चुनावी रंग में रंगे हुए नजर आ रहे हैं। वहीं प्रत्याशी अपनी जनता के बीच जा रहे हैं, उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं और अपनी बात रख रहे हैं और समर्थन जीतने का पूरा पूरा कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल नगर संग्राम में अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत, आगे आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार।